हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफ्लानर। श्रेणी दशम बिले आज क्लास रे तुम जीव विज्ञान बहर तृतीय अध्याय जहाँ नाम हूँ परिवहन और संचालन। यही पाठर पार्ट टू को आम डिस्कस करवा। प्रीवियस पार्ट में आलोचना करते जे उद्भिद शरीर में कौ प्रकार जल आउ खाद्य परिवहन होउछि। मुख्यतः जाइलम टिश्यू द्वारा जल परिवहन होउछि गछर मूलर आरंभ कर पत्र पर्यंत। खाद्य गुड़िक पिला माने फ्लोएम टिश्यू द्वारा परिवाहित होउछि पत्र धरिकरी गछर अन्यना पार्ट पर्यंत। ठीक अछि ना। ता सहित देखिथिले जे परिवहन जो होउछि गछ देहरे ता मुख्यतः तीन प्रकार ऊर्ध्व परिवहन, निम्न परिवहन, पार्श्व परिवहन। खाद्य आउ जल ऊर्ध्व परिवहन करथाउछि आउ केवल खाद्य निम्न परिवहन पार्श्व परिवहन करथाउछि। ता सहित गछर शरीर रे जल जो तलर ऊपर पर्यंत जाउछि से छोट गछ हो कि बड़ गछ हो तीनटा तत्व थिला। कौन कौन से तीनटा तत्व थिला? गोटे हूँ कैशिक आकर्षण जनित तत्व, आड़ हूँ मूलज चाप, आड़ हूँ आमर संशक्ति तत्व। ठीक अच्छे ना। गोटे हूँ कैशिक आकर्षण, मूलज चाप, आड़ हूँ संशक्ति तत्व। इतनी आम डिस्कस करते आज भिडियो में आलोचना करवा मनीष शरीर परिवहन संस्था विषय में आलोचना करवा। ठीक अच्छे ना। देख देख आमे परिपाक क्रिया द्वारा खाद्य और जल आहरण करथाउ ना कि परिपाक क्रिया द्वारा खाद्य और जल आम आहरण करथाउ। श्वासक्रिया साहाज्य कौन करचे ना अम्लजान संग्रह करथाउ। आ उपरोक्त कार्य मान पई आम शरीर रे निर्दिष्ट अंग प्रत्यंग सब रही जेतु आम सब बहुकोशी प्राणी। फुसफुस अम्लजान संग्रह करे आ हजम होता खाद्य क्षुद्रांत अवशोषित होता है। आ संग्रहित होता अम्लजान अवशोष होता खाद्य जल आउ अंतःस्रावी ग्रंथिरु खेरित हार्मोन आ यूरिया आदि बर्ज्यवस्तु ता सहित अन्यान्य पदार्थ मध्ये परिवहन संस्था द्वारा शरीर गोटे स्थान अनेक स्थान को जाए। परिवहन पई रक्त प्रमुख परिवहन पई पिला माने आम शरीर रे बा जीव शरीर रे रक्त होउछि मुख्य माध्यम अटे। श्रेणी नवम जीव विज्ञान बहि तुम टिश्यू सिस्टम बहि रक्त विषय अलरेडी आलोचना करिछ तो खाली टे समय रूप देखि दबा। देख रक्त संचलन जहाँ ब्लड सर्कुलेशन कहे। देख शरीर रे रक्त संचलन पई रही किसी नळी। यही नली गुड़ आम कह रक्तवाही नली। आई नली गुड़ पे शर भितर पाखापाखी एक मुह रास्ता भाया लंबी आ हिसाब कले आम देखा जाए नली गुड़ रक्तवाही नली मिले जो सीरा प्रसिरा धमन जो अच्छी जो आम हिसाब करते पाखापाखी मानक लंबा पाखापाखी 86,000 किलोमीटर रु 160,000 किलोमीटर लंबा पर्यटन लंबिक अच्छे 86,000 पे देख भारत पे जब बोर्डर को काउंटिंग करवा जब आम बोर्डर को पे काउंटिंग करवा तेबे होउछि पिला माने 15,000 किलोमीटर मीन ए बोर्डर तापर एटा आंडामानिक द्वीप अच्छे लाक्षाद्वीप अच्छे 15,000 किलोमीटर कि बोर्डर ही सीरा प्रसिरा पाखापाखि 86,000 रु 160,000 इमितर पिला माने होउछि 3,000 इमितर होउछि 3,200 भारत पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पाखापाखि 3,000 3,200 किलोमीटर डिस्टेंस किंतु एटे आम शर भितर 86,000 मीन आम शर रक्त सीरा प्रसिरा धमनी जदि आम बाहर करके लंबेबा तबे पूरा भारत वर्ष मतलब छोट पड़ज लंबारे। रक्तवाहिनी प्रधानतः तीन प्रकार अच्छी धमनी जहाँ आटेरी कहुची सीरा बोले भेन रक्त कैसी पथ केपिलेरी कह जाए तो आम रक्तवाहिनी होती तीन प्रकार आ भितर पे तुम देखि हाथ को जो टाइट कर तेज गोटे देखा जारा प्रसिरा टाइप रहा हूँ ये सीराटा धमनी ना। ठीक अच्छे ना। धमनी बड़ी भितर पूरा अच्छी बाहर को देखा ना तो देख सीरा धमनी मध्य लगे सीरा और धमनी मध्य रक्त को संचलित करें हृत्पिंड मुख्यतः एक पंप भाया साहय कर पंप भाया साहय कर देख देख पे सपोज यहाँ हूँ गोटे ह्यूमन बीइंग्स है आयताकृति अच्छी ये तरह हार्ट अच्छी जहाँटा कि गोटे पंप भाया काम कर तो कौन हो देख मुझे दीटा चिन्ह करदे देख रेडा हूँ आम सीरा यहाँ हूँ प्रसिरा यहाँ हूँ आम मान धमनी धमनी प्रसिरा ने धमनी यहाँ हूँ धमनी यहाँ हूँ सीरा। ओके देख पे आम शरीर जी दूषित रक्त अच्छे जी अंगारकाम्लुक्त रक्त अच्छी से जाक पे सीरा देकर आसो हार्ट को आसो हार्ट पे प्यूरीफाई हम प्यूरीफाई होगा से ही विशुद्ध रक्त गुड़िक पे पुनर्व कौन हम ना ही धमनी देकर शर भितर आस तो सीरा देकर जीव धमन देकर आसवे निहत गोटे पंप्र आवश्यक अच्छे ना
जी देख नाल पा काढ़ पंप आवश्यक हुए तो शरीर मधुचिन रक्त गुड़िक सब निज पाक आणव आ शरीर प्रत्येक पाखे पहुँचे निहतु पंप दरकार तो ये हार्ट गोटे पंप भाया काम करुच्छे जी अविरत मैंने रात से काम कर तो हृत्पिंड पे संकोचन जंत्र हृत्पिंड काम कर पे आकार से छोट कर बड़ कर तो संकोचन जंत्र चाप फल कौन हो आम जो धमनी अच्छी जो थी विशुद्ध रक्त आउ धमनी को लगी रक्त कैसी को नड़ी तो जहाँफल धमनी और रक्त कैसी को देखिए रक्त प्रवाहित हो शरीर प्रत्येक कोष निकट पहुँचे आउ ये धमन देखिए जो रक्त ये धमनी दे जो रक्त आसमें अम्लजान थी खाद्य थी अन्न्य पदार्थ मत थी अम्लजान खाद्य कोष मध्य को गला कोषर कौन बाहर ना अंगारकाम्ल ग्यास विभिन्न बर्ज्यवस्तु जहाँकि रक्त कैसिक नली देखिए जीव तर शिविर आसी मिस रक्त कैसिक नली देकर शिविर आसिक मिस छोट छोट शिरा बड़ बड़ शिविर आसी मिस शिरा मत प्रवाहित हो हृत्पिंड आड़ को आसे शिरा उपरे पिला देख शिरा उपरे थिबा पेशीर संकोचन अच्छे मानने जो शिरा अच्छे पिला मैंने ना जो पे शिरा अच्छी शिरा भितर कौन हो शिरा भितर भी पेशी अच्छी से पेशी मत कौन होना सी भी संकोचन होिथिलन हो मैंने प्रसारण हो तो तार संकोचन शिथिलन जो रक्त कौन ठेली हृत्पिंड पाखे पहुँचे या छड़ा शिरा रही है एक विशेषण पिला कपाटिका अच्छी से कपड़िया कौन कर जहाद्वारा रक्त शिरा मध्य पछक फेरी पार ना विलियम हार्वे नामक गोटे वैज्ञानिक अच्छा जे कि ब्रिटिश्र मानने इंग्लैंड रू बिलंग करते आम शरीर रक्त किपर संचालित होती प्रथम आविष्कार करते विलियम हार्वे 1578 1657 जो समय कि मुगल साम्राज्य मैंने मुगल राजा आमको शासन करते मनुष शरीर में हृत्पिंड रक्त धमन जरिए गोटे बाट दी जाए और अन्य बाट दी शिरा आसे अर्थात हार्ट को गोटे बाट दे रक्त जाऊँच आ गोटे बाट दे रक्त आसुच तो रक्त नली मध्य रक्त रही गति को आबद्ध संचालन कहूँ जो गोटे नली दे जाऊँच गोटे नली आऊँगी तो ये पूरा सर्कुलेसन नली होगा आबद्ध संचालन बोली कहुए बर्तमान देखिए हृत्पिंड देख हृत्पिंड हूँ पे मैंने मनुष्य बक्ष घर बोले छाती मझीरे अच्छे से दुई फुसफुस आम जो छाती जो दुटा फुसफुस अच्छे पे दुई फुसफुस मझीरे आध्यक्षतार टिके उपरको सामान्य बाम को हृत्पिंड रही है जन पे भय प्राप्त बोले बड़ लोक हृत्पिंड लंब पे 12 सेमी आसो औषध 9 सेमी ओजन पाखापाखि पाउडर 300 ग्राम हो आ रंग रही मालिया मटिया लाल हृत्पिंड रही है पे 4 चेम्बर बा 4 प्रकोष्ठ रही 4 प्रकोष्ठ देख यहाँ मन करा हृत्पिंड बोले 1 2 3 4 4 प्रकोष्ठ प्रकार रही ठीक अच्छे ना रक्त कम हो 1 नंबर चेम्बर को आग आस चेम्बर को आईला तो 4 गलापर पे से जाऊँ आमर फुसफुस को फुसफुस जाऊँगी मैंने जाऊँ फुसफुस धमन द्वारा जाऊँ आसी जाते से 2 मिशुच 2 मिशला पर तीन को जाऊँ तीन रे शरीर भितर आस तो पे ये जो यहाँ रहा यहाँ देकर आग हृत्पिंड को रक्त आसला ना कि यहाँ हूँ आम शिरा आई जो चेम्बरटा देकर रक्त कौन एपट आसला यहाँ हूँ पे धमनी ठीक अच्छे तो देख हृत्पिंड रही 4 प्रकोष्ठ ऊपर 2 प्रकोष्ठ भला भलार बुझाप चेषा कर ऊपर 2 प्रकोष्ठ मीन 1 नंबर आ 2 नंबर ऊपर 2 प्रकोष्ठ को एट्रियम अलिंद कहूँ ये पे कहूँ 1 2 को अलिंद अलिंद कहुए ठीक अच्छे ना आ भर पे मन रख एपट सैडटा हम सब बाम देख तुम निजे टे अनुमान कर तुम हार्टा को मन कर बाहर करमें फिगर में देखु रखाई था तो तुम बाम सैडटा ए फिगर रहा सैड हम कि ना चिंता कर टे कि तुम आगे तुम गोटे सांग ठियाई तुम आगे तुम सांग तुमको मुँह कर ठिया तुम सांगर बाम हाथा तुमको तुम सांगर बाम हाथा तुम डाण पटिया रही थो कि ना अर्थात तुम सांगर हार्टर बाम पटा तार बाम हाथ कान थो कि तुम सांगर हार्टर बाम पटा तुम कौपट कान थो डाण कान थो ठीक अच्छे से यठार जो 2 आउ 3 अच्छे यहाँ को डाण अली कहो ए सरी 2 आउ 3 टाक अच्छे यहाँ को बाम अली कहो ठीक अच्छे 1 4 को डाण अली कहो तो यह कहला ऊपर 2 प्रकोष्ठ को अलिंद कहूँ दक्षिण अलिंद बाम अलिंद तो ये 1 हूँ पे मैंने दक्षिण अलिंद 2 हूँ बाम अलिंद ठीक से प्रकार तल जदि अच्छी यहाँ नील अली कहूँ जो 4 आउ 3 अच्छे आपको नील कहूँ यहाँ हूँ दक्षिण नील यहाँ हूँ बाम नील ठीक अच्छे ना देख तल 2 प्रकोष्ठ को भेन्ट्रिकल नील कहूँ दक्षिण बाम नील दक्षिण अलिंद सहित पे ऊर्धमासीटा यहाँ पे डिटेल से देखिए देख तुम भलि बुझे दूसरी चित्र माध्यम से बुझेदे तार जहाद्वारा तुम आराम से बुझीपर देख पे देख पे यहाँ हूँ आम हार्ट
ହେଲା ହାର୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେଉଁ କେଉଁ ଚେମ୍ବର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ରେଡ଼ି ପେନ୍ ନାମ ନେଇଯାଉଛି, ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଚେମ୍ବର, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏକ ଦେଲି, ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚେମ୍ବର ଦୁଇ ଦେଲି, ସେମିତି ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚେମ୍ବର ଆକୁ ଦେଲି ମୁଁ ତିନି, ସେମିତି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଚେମ୍ବର ଏଇଟା ହେଲା ଚାରି। ଆଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିରା, ରକ୍ତ କଣ ହେଲା ଏମିତି ଆସିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ ମହାଶିରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲା ନିମ୍ନ ମହାଶିରା, ଏ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହାଶିରା ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦୁଇ ଯାକ ଆକୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏକ ନମ୍ବରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଏକ ନମ୍ବର ନାଁ କ'ଣ, ଏକ ନମ୍ବର ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଦେଇକି ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏମିତି ଖୋଲା ହେଇଛି, ଏଇଟା ରକ୍ତ ଏମିତି ଆସୁ କିମ୍ବା ଏଇଟା ଏମିତି ଆସୁ, ଆସିଲା ପରେ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକରି ଏମିତି ଆସିବ ନାଇଁ କି। ଏଇଠି ଦେଖ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ କପାଟିକା ବୋଲି କହୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି କପାଟିକା, ରକ୍ତ ଏମିତି ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା, ମନେ ରଖିଟା ହେଉଛି ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା, ଆସିଲା ପରେ ସେ କୋଡ଼ିଏ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ନା ଚାରିକି ଆସିବ, ଚାରିଟା ଚାର ନାଁ କ'ଣ, ଚାର ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଦେଇକରି ଉର୍ଦ୍ଧ ମହାଶିରା ଆଉ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦେଇକରି ଆସିବ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦକୁ, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଦେଇକରି ଆସିବ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳକୁ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳକୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ପରେ ରକ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇଠୁ ଯିବ ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀଦ୍ୱାରା, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ, ମୁଁ ଏଇଟା ଲିଭି ଦେଉଛି ଟିକେ ଜାଗା ବୁଝିବା ସୁବିଧା ହେବ, ଦେଖ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଖାଲି କର। ତ ରକ୍ତ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇକରି ଏଇଠିକି ଆସିଲା, ଏଇ ମାର୍ଗ ଦେଇକରି ଏଇଠିକି ଆସିଲା, ଆ ନା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳ, ଏଇଠୁ ପିଲାମାନେ ରକ୍ତ ଏମିଯିବ ଏମିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ଯାଇକରି ଏମିଯିବ, ଆ ନା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ। ତ ଫୁସ୍ଫୁସ ଧମନୀ ଦେଇକି କେଉଁଠି ଯିବ ନା, ଏଇଠି ଥିବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଥିବ ବା ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ଆସିବ। ତ ହାର୍ଟରୁ ବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ରକ୍ତ କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲା ନା ଫୁସ୍ଫୁସ ଧମନ ଦେଇଗଲା, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠି ଗଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ ଧମନ ଦେଇକି ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ଆସିଲା। ଲଙ୍ଗସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ପ୍ୟୁରିଫାଏ ହେବ, ମାନେ ଦୂଷିତ ରକ୍ତଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସ ଶିରା ବୋଲି, ଦେଖ ଏଇଟା ଏମିତି ବାହାରିଥିବ, ଏଇଟା ଆସିକି ଦେଖ ଆକୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ଆକୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, ଏମିତି ହେଇକିରି ଆସିବ କରୁଛି ଏ ଚାମ୍ବରକୁ ଆସିବ, ଆର ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ଦେଖ ଏ ବାମ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଆସିଲା, ବାମ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଆସିଲା ପରେ ରକ୍ତ ଏମିତି ଆସିବ, ଦେଖ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କପାଟିକା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା, ଏଇ କପାଟିକା ଦେଇକରି ଏଇଠିକି ଆସିବ, ଆର ନାଁ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଚେମ୍ବରଟା ରହିଲା ଆର ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବାମ ନୀଳ, ବାମ ନୀଳ ଆସିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଲେଖିଛି ଏଇଟା ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ବୋଲି ହେଲା। ତ ରକ୍ତ ଏମିତି ଆସିଲା ପରେ ବାମ ନୀଳ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖ ମହାଧମନୀ ଅଛି, କରୁଛୁ ମହାଧମନୀ ଦେଖ ଏଇଟା ମହାଧମନୀ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାଧମନୀ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ମହାଧମନୀ ଦେଇକି। ତ ଏମିତି ରକ୍ତ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ତ ଏମିଯିବ ପଡ଼ିଲା ଏମିଯିବ ଏମିତି ଦେଇକିରି ଏପଟୁ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ଏପଟୁ ଦେଇକିରି ସାର୍ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟ ଅଛି, ସେ ମହାଧମନୀ ଦେଇକି ରକ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଶରୀର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ମାନେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଆସିବ। ତ ମହାଧମନୀ ଦେଇକିରି ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ, ଉର୍ଦ୍ଧ ମହାଶିରା ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦେଇକିରି ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି, ଡିକ୍ଲେୟର କରିଦେଉଛି ତୁମକୁ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ କେଉଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଧମନ ଦେଇକିରି ଭଲ ରକ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଧମନ ଦେଇକିରି, ଓକେ ତୋ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଧମନୀ ଦେଇ ଶାନ୍ତ ଧମନୀରେ ତ ଭଲ ରକ୍ତ ଜାସ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଧମନ ଦେଇକିରି ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ଯାଉଛି ବୋଲେ ସେଇଟା ହେବ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ, କ'ଣ ହେବ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ। ସେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଶିରା ଦେଇକି ତ ଖରାପ ରକ୍ତ ଯାଉଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଶିରା ଦେଇକିରି ଭଲ ରକ୍ତ ଯାଉଛି ବୋଲେ ସେଇଟା ହେବ ଆମର ଦେଖ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଶିରା। ତ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଶିରା ଦେଇକିରି ଭଲ ରକ୍ତ ଯାଏ, ଫୁସ୍ଫୁସ ଧମନ ଦେଇକିରି ଖରାପ ରକ୍ତ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଉର୍ଦ୍ଧ ମହାଶିରା ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ବା ନର୍ମାଲି ଶିରା ଦେଇକିରି ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ଯିବ, ଆଉ ମହାଧମନୀ ବା ନର୍ମାଲ ଧମନୀ ଦେଇକିରି ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହାଶିରା ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦେଇକି ରକ୍ତ ଆସିଥିବ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦକୁ, ତ ସେଇଟା ତ ଦୂଷିତ ଥିବ, ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଦୂଷିତ ହେଇକି ଥିବ, କାହିଁକି ରକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାଖକୁ ଯିବ ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ ନା, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଯାଇନି ମିନ୍ସି ଦୂଷିତ ହେଇକିରି ଅଛି। ତାପରେ ହେବ କ'ଣ ନା ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ ଧମନ ଦେଇକିରି, ଏ ଫୁସ୍ଫୁସ ଧମନ ଦେଇକିରି ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାଖକୁ ଯିବ, ତ ଫୁସ୍ଫୁସ ଧମନ ଦେଇ ତାହେଲେ କେଉଁ ରକ୍ତ ଗଲା, ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ଗଲା, ତେଣୁ ଫୁସ୍ଫୁସ ଧମନ ଦେଇ ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ଯାଏ, ଫୁସ୍ଫୁସ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ ଶିରା ଦେଇକିରି ଆସିବ ଆମର ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ପାଖକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଫୁସ୍ଫୁସ ଶିରା ଦେଇକିରି ଆମର ଭଲ ରକ୍ତ ଆସେ।
ये जो चार्टा चेम्बर आसले पे जो आम दक्षिण अलिंद दक्षिण नील बाम अलिंद बाम नील आ भितर पे ये जो चैंबर टी अच्छी ये जो प्रकोष्ठ अच्छी जार ना हूँ बाम नील ये हूँ सब स्ट्रंग क्या ये जितेबाला संकुचित हम दिए संकुचित हम रक्त यही महाधमन देकर शरीर प्रत्येक पाक पहुँच ठीक अच्छे ना ए पे मुझे जीत कहल तुम पूरा आराम से थर आज डिटेल्स न पड़े भी आराम से पढ़ी पढ़ी गलत बुझीपर देख हृत्पिंड अलिंद नील द्वार अच्छा टी आप देखे पड़ चुत ना टीपे पड़ता देख देख दक्षिण दक्षिण अलिंद सहित पे ऊर्ध्व महाशिरा आउ निम्न महाशिरा मुझे जोड़ा कही नामक दुईट बृहत रक्त बाहिनी नली संचित होती दक्षिण नील सहित यहाँ दक्षिण अलिंद गला जोटा उपरटा जमी पे मैंने जो कही एक दुई तीन चार एक नौटा कथा कहते एक नौटा सहित ऊर्ध्व महाशिरा निम्न महाशिरा तब दक्षिण नील बोले चार नंबर सहित पे फुसफुस धमनी कनेक्टेड कनेक्टेड होती बाम अलिंद बोले दुई नंबर सहित फुसफुस शिरा कनेक्टेड होती आ बाम नील मीनस तीन नंबर सहित मोर महाधमनी कनेक्टेड होती बुझिपार तापर आसला देख ये अलिंद नील द्वार आउ प्रकोष्ठ रक्तवाहिनी मध्य द्वार दुईट तीनोटी पतला परदा कबाट पूरी कपाटिका लगी कपाटिकार पे प्रत्येक परदा को पाखुड़ा मन रख कपाटिकार प्रत्येक परदा को पाखुड़ा कहुए आउ दक्षिण अलिंद दक्षिण नील बोले इड़ा ये जगह एक आउ चार मझे जो बाट जो रास्ता अच्छी सेठे तीन पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका अच्छी बाम अलिंद बाम नील मिले जो दुई तीन भितर ये अच्छी दुई दुई पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका अच्छी आ कपाटिकाटा सब पे मैंने अलिंद रु नील आड़ को उपेन थी देख एक रु चार अच्छी मिन्सी एक अच्छे अलिंद चार अच्छी नील अलिंद रु नील सी दुई चार दुई तीन भितर जो अच्छे पे मैंने यहाँ मतलब अलिंद नील ना बाम अलिंद बाम बाम अलिंद बाम नील तो अलिंद रु नील आड़ को खोला था देख नीलय नीलय और रक्तवाहिनी मध्य कपाटिका को अर्ध मन रख नीलय आज रक्तवाहिनी नली अच्छी तातर जो कपाटिका को अर्धचंद्रगति कपाटिका कहुए आउ अलिंद नील भितर जो कपाटिका थाए ता सब नील आड़ को आ नीलय रक्तवाहिनी मध्य जो कपाटिका थी जोटा कि अर्धचंद्रगति कपाटिका ता रक्तवाहिनी आड़ को खोला थाए तेणु रक्त केवल गोटे दिगरे ही प्रवाहित हुए कपाटिका बंद हो गल रक्त आ पछक फेरी पार ना से रक्त गोटे दिगरे प्रवाहित हो तो मन पछु आसपी से कपाटिका अटोमेटिक बंद हो रक्त पछु आसपार ना हृत्पिंड चारोटी प्रकोष्ठ मध्य पे जो बाम नील अच्छे जहाँ सहित महाधमनी कनेक्टेड होती अधिक दक्ष अटे आ तार प्राचीर अधिक मोटा अटे कहीं बाम पटर जो बाम अलिंद रहा सरी बाम जो नील रहा सी संकोचन हेले एक अम्लजान युक्त रक्त मिली भल रक्त महाधमनी देकर शरीर विभिन्न अंग को जाए डाहाण पट नील ठीक अच्छे ना डाहाण पट जो नील संकोचन फल कौन हो डाण पट नील मीन ये जो तीन नंबर चार नंबर कथा कह कथा कह दक्षिण नीलय ठीक अच्छे आर जिते संकोचन हम रक्त कौन हम ना फुसफुस हो संकोचन फल अम्लजान विहीन रक्त बोले दूषित रक्त गुड़िक फुसफुस धमनी जोटा कि विशुद्ध रक्त जाए दूषित रक्त जा रक्त फुसफुस को जाए ओके डायग्राम तो आम बुझे ये डायग्राम पे मैंने इंटरनाल पार्ट यहाँ हूँ एक्सटर्नाल पार्ट दी मैंने बाहर साइडर पार्ट दी तो यहाँ हूँ महाधमनी जोटा देखिए रक्त बाहर आसा हूँ ऊर्ध्व महाशिरा यहाँ हूँ निम्न महाशिरा जोटा कि आ सहित कनेक्टेड होती एट कपाटिका अच्छी यहाँ हूँ दक्षिण नील ठीक अच्छे ये प्रकार आई यहाँ हूँ आम फुसफुस धमन देखिए फुसफुस पाक जीव से आउ थे आम फुसफुस जो शिरा अच्छी कौट अच्छे फुसफुस शिरा ये देनी ना कि फुसफुस शिरा देनी ये पाखे आगे रहा कथा फुसफुस शिरा देखिए आस आम दक्षिण सरी बाम बाम अलिंद को आसो दुई पाखुड़ा विशिष्ट देकर बाम नील पाक आसपुर महाधमन देखिए रक्त सर भितर जीव ओके अरे बुझिपाल कि ना बहुत बढ़िया हृत्पिंड गठन करुवा पे मैंने पेशी मैंने हृत्पिंड पे मैंने पेशी मांसपेशी अच्छी जहाँ कार्डियक मसल लगे ता शरीर अन्य पेशी भिन्न जन्म ठार् मृत्यु पर्यटन पे मैंने ये जो हृत्पिंड जो पेशी अच्छी ता अनवरत संकोचन आउ शिथिलन घटे जहाद्वारा हृत्पिंड स्पंदन हो साधारण एक सुस्थ व्यक्तिर हृत्पिंड स्पंदन होती पे बास्तरी थर हृत्पिंड मांसपेशी को हृत्पिंड जो मांसपेशी अच्छी पे हृत धमनी आ हृत शिरा द्वारा रक्त संचालित हुए तो हृत्पिंड जो मांसपेशी अच्छी पाक तो मैं रक्त संचालित हो तो ताक जो रक्त संचालित होता जो धमनी शिरा अच्छे हृत धमनी आ हृत शिरा जहाँ कोरोनारी आर्टरी आ कोरोनारी वेन हो
मनुष्य तथा अन्य स्तनपायी और पक्षी मानक हृत्पिंड होची चारि प्रकोष विशिष्ट तो आमर चारि प्रकोष विशिष्ट एबे देखो पिले माने आउ जे मन पके दउची टिक बुझा पय चेष्टा करो हृत्पिंड पाकु रक्त आसिला इमिति आसिला इमिति हेगिरी इमिति गला आ इमिति आसिला अर्थात रक्तरा पिले माने हृत्पिंड रे केते तर प्रभावित होला प्रथमे होला दक्षिण अलिंद दक्षिण नील देखिरी गला तापर फुसफुस गला पर आउ थरे बाम अलिंद बाम नील रे आसिला अर्थात हृत्पिंड भितरे दि थर प्रभावित होला तो चारि प्रकोष्ठ थिबा जोगु पिले माने दि थर प्रभावित होउछे बुझिबाला ना तो हृत्पिंड चारि प्रकोष्ठ होइतिबारु एमानंगर हृत्पिंड रे एमानंगर हृत्पिंड रे पिले माने अम्लजान युक्त रक्त आ अम्लजान विहीन रक्त मिसे नै एटे मते किलो मिसले कि अम्लजान युक्त रक्त अम्लजान विहीन रक्त के मिसले कि मिसिनि सेटा तो अम्लजान विहीन रक्त फुसफुस पाकु गला सेटा विशोधन होला तापर अम्लजान युक्त रक्त गुडी आसिला तो किए का मिसिले नाही तो बाम पटर अलिंद आ नील मध्य देखिए अम्लजान युक्त रक्त प्रभावित होता बेले दक्षिण अलिंद दक्षिण नील देखिए अम्लजान विहीन रक्त प्रभावित हुए तो शरीर कौन से अंग को थे रक्त पहुँचला बेलू दुई थर हृत्पिंड प्रभावित होगा जो यही संचलन को द्वैत संचलन कहुए डबल सर्कुलेशन कहला तो बुझीपाल ना पे द्वैत संचलन कौन आर डायग्राम देखिए देख पे देख एटे तो जदि हार्ट 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 जदि ये प्रकार होता है पे आर एटा हमारे एदिटा हूँ अलिंद एदिटा हूँ नील बुझीपाल ना यहाँ हूँ आम ऊर्ध महासीटा निम्न महासीटा देखिए आसा आम दक्षिण अलिंद को सीट तीन पाखुटा विशिष्ट कपड़िया देखिए आसा आम दक्षिण नील को तापर फुसफुस धमन देखिए गला फुसफुस को फुसफुस प्यूरीफाई होगा फुसफुस सीटा देखिए आसा आम बाम अलिंद को दुई पाखुटा विशिष्ट कपड़ी आसा बाम नील को महाधमन देखिए गला अंग प्रत्यंग यूज कलापर से अंगारकण गैस बाहर ये रक्त मिसला आउ थे पुनर भी देला तो ये प्रोसेस रे पिला माने जाउ छी रक्त देखो ये प्रोसेस रे ठीक अछि ना इमि जाउ छी तो एठरे अधिक पावरफुल हो छी इडा जेटा को हमें बाम नीलय बोली कहू छी ठीक अछि ना तो एठा देखो रक्त के का मिस छी कि देखो दूसरा रक्त इमि आसीला खुसु छ गला एड़ विशुद्ध रक्त हेला एड़ मिसला तो देखो एड़ जो जगह पिला डॉट डॉट देखु छ सेटा हो छी दूषित रक्त ए डॉट जगह हो छी दूषित रक्त जगह पूरा व्हाइट अछि जगह हो छी विशुद्ध रक्त तो किए का मिशुन आउटर रक्त संचलन देख मृत्पिंड होने दुई प्रकोष विशिष्ट एथे गोटे अलिंद आ गोटे नील रही आउ शरीर अंगारकामल युक्त रक्त संग्रहित होकर हृत्पिंड मध्य देकर गाली भितर जा गाली रक्त द्रवीभूत गाली रक्त कौन कर द्रवीभूत अम्लजान को ग्रहण कर सर विभिन्न अंग पाक पहुँचे आउ रक्त केवल थे मात्र हृत्पिंड जाए यह एक संचलन कह जाए अर्थात माछ शरीर में जेहतु गोटे अलिंद गोटे नील रोचे मीनस थेड़े रक्त गोटे थर ही प्रभावित हुए रक्त गोटे थर प्रभावित हुए यह एक संचलन कहुए ये तो है माछ कथ तथा बेंगु कथ बेंगुर पे मैंने शरीर में तीन प्रकोष्ठ विशिष्ट अच्छे तार हार्टा दुईट अलिंद गोटे नील इमित अच्छे एटा अलिंद ठीक अच्छे यहाँ हूँ बाम अलिंद यहाँ हूँ दक्षिण अलिंद यहाँ हूँ नील तो रक्त कौन हम ना दक्षिण अलिंद देखिए पे रक्त आसमी आसला नील को जा नील फुसफुस जाऊँगी फुसफुस रु बाम अलिंद को आस रक्त आउ थे आस नील पहुँचे नील आदि जाऊँ नील कौन ये मिस जाऊँ आने मैंने विशुद्ध रक्त दूषित रक्त दीजा मिस जाऊँ दक्षिण अलिंद देखिए दूषित रक्त आसला नील पहुँचला नील फुसफुस गला अथवा विशुद्ध होकर बाम अलिंद पाक आसला आस नील मिसला तो बेंगे कौन होना दूषित रक्त विशुद्ध रक्त दीजा मिस जाऊँ ओके मिसी जा शक्ति से अधिक उत्पन्न होेंगु मत से अधिक शक्ति मत पे दरकार ना जी शक्ति आम दरकार पड़ू देख बेंग आदि उभयचर प्राणी में हृत्पिंड होती तीन प्रकोष विशिष्ट दुईट अलिंद गोटे नील रही दक्षिण अलिंद शरीर विभिन्न अंगर अम्लजान विहीन रक्त प्रवाहित हो बाम अलिंद फुसफुस अम्लजान युक्त रक्त पहुँचे अलिंदर संकोचन हेले रक्त नील को आसब अर्थात नील अम्लजान युक्त पहुँच आपटे जो आम बाम अलिंद जो थी सी मतलब संकोचन हेले कौन होना अम्लजान विहीन रक्त मत आस मिस नील मिसला तो नील संकोचन हेले तो नील जो संकोचन हो रक्त धमनी देकर अंग प्रत्यंग पहुँच अर्थात उभय बेंग और अन्न्य उभयचर प्राणी में चयपचय धीर मंत्र गति रही एम शक्ति आवश्यक पड़ी जेहे से जेहे तार रक्त अम्लजान और अंगारकण दिन जाक मिसिक था ओके तो पे पाखापाखि चबीश मिनट है अधिक पढ़ले तुम हम तो मन न रही पाए से आम परवर्ती पार्ट में यार जो रक्तचाप अच्छी आम पढ़ा रक्तचापुर आरंभ कर रक्त जमाट किपरी बांधुच्छे ये सब आम आर पार्ट में आलोचना करवा तो पे क्लास टी किपरी लगे निहत समस्त कमेंट सेक्शन कमेंट्स कर भल लगे निहत गोटे लाइक करवा और चैनल को सब्सक्राइब कर ठीक अच्छे।
तो चलो समस्त थैंक यू सो मच।